होली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल 25 मार्च दिन सोमवार को रंगों की होली बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाएगी। मान्यता है कि होली का जश्न मनाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हिंदू धर्म में ऐसी कई मान्यताएं हैं कि होली का त्योहार मनाने से पहले घर की साफ सफाई जरूरी है, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके लिए होली से पहले घर में रखी इन चीजों को बाहर निकाल देना ही अच्छा माना गया है, क्योंकि घर में कबाड़ पड़े रहने से लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। होली के पावन पर्व को शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए वास्तु के कुछ बातों का खास ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए होली से पहले ही घर की साफ सफाई जरूर कर लें। इसलिए लंबे समय से घर में रखे पुराने जूते चप्पलों को होलिका दहन से पहले ही बाहर निकाल दें। घर में टूटे बेकार जूते चप्पलों को रखना शुभ नहीं होता है, ऐसे परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे होलिका दहन से पहले ही घर से बाहर कर दें और नया पौधा घर में लगा लें। इससे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। वहीं होलिका दहन से पहले घर में रखे हुए बहुत पुराने कपड़ों को किसी जरूरतमंद या गरीबों को देना शुभ मानते हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में पिछले साल के बचे हुए रंगों से होली खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, पुराने रंगों को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये पुराने रंग लोगों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं घर में टूटा हुआ शीशा अगर रखा है तो इसे होली से पहले ही बाहर निकाल दें। इसके साथ ही होलिका दहन से पहले घर में रखी टूटी हुई तस्वीरों को भी बाहर कर दें और भगवान की खंडित प्रतिमा को भी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इसके अलावा घर में टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखना शुभ नहीं होता। होलिका दहन से पहले इन चीजों को भी घर से बाहर कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।